हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कार्स। तो अभी हम आए हैं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 प्रगति मैदान दिल्ली में, जो ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्स्ट टाइम ये हुआ है और यहाँ पर पैविलियन 6 के अंदर, हॉल 6 के अंदर जबरदस्ती हुंडई ने सबसे पहले अपनी स्टॉल लगाई गई है। हुंडई के द्वारा जो है आप देख सकते हैं, ये आयोनिक 5 यहाँ पर स्टॉल की गई है। उसके बाद है वर्ना, इसी साथ वहाँ पर अपनी जो है क्रेटा और आयोनिक 6 भी वहाँ पर लॉन्च की गई है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हुंडई की तरफ से दिखाई गई है। इसी साथ साइड में देखते हैं तो महिंद्रा ने अपनी जबरदस्त स्टॉल लगाई है, जिसमें सबसे पहले स्कॉर्पियो एन है, उसके बाद थार है। यहाँ पर 5-डोर थार जो है यहाँ पर महिंद्रा ने शोकेस नहीं की है, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि 5-डोर यहाँ पर लगेगी, बट यहाँ पर 5-डोर यहाँ पर शोकेस नहीं की गई है। इसके बाद XUV700, इसके बाद XUV400 जो कि प्रो मॉडल है और जो इसका लेटेस्ट लॉन्च है प्रो में। इसके बाद जो एक न्यू लॉन्च महिंद्रा ने किया है, कंसेप्ट कार है ये, आप देख सकते हैं, दिस इज BE रैली, जो कि एक EV मॉडल है, EV कंसेप्ट है और स्पोर्ट्स कार है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक्स के साथ है, हैवी भरकम, भारी भरकम लुक्स के साथ ये गाड़ी इसमें जो है महिंद्रा ने कंसेप्ट एज ए कंसेप्ट यहाँ पर लॉन्च की है। ऑफ रोडिंग के लिए ज़बरदस्त आपको यहाँ पर व्हीकल देखने मिलेगा। तो भाई इसका जो इंटीरियर है वो अभी शोकेस नहीं किया गया है, इसलिए इनके जो विंडशील्ड हमको बिल्कुल ब्लैक रखा गया है, जेड ब्लैक है और कंसेप्ट वेरिएंट है। तो जल्द ही जो है इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जो कंसेप्ट है वो सिर्फ कंसेप्ट रहते हैं, लेकिन इनको इंडिया में जो है काफ़ी जल्दी लॉन्च किया जाएगा। टायर साइज आप देख सकते हैं, काफ़ी ह्यूज आपको यहाँ पर टायर साइज देखना मिलेगा। इसी साथ हुंडई ने जो अभी लेटेस्ट लॉन्च है इनका क्रेटा फेसलिफ्ट का, वो भी यहाँ पर शोकेस की गई है। इसके बाद इनकी एक कार है नेक्सो, जो कि हमारे इंडिया में नहीं है बट पता नहीं कहाँ चलती है, तो ये भी यहाँ पर शोकेस की गई है, शायद इंटरनेशनल प्रोडक्ट है ये नेक्सो। इसके बाद हुंडई ने अपनी जो है न्यूली लॉन्च्ड टुसॉन को यहाँ पे खड़ा कर रखा है, जिसको कामयाब करने के काफ़ी जो है प्रयास किए गए थे, लेकिन ये जो है कामयाब ज़्यादा नहीं हो पाई है। इसकी एक्सट्रा प्राइस की वजह से कह सकते हो, या फिर ज़्यादा फीचर्स के अंदर भी नहीं है, क्योंकि बाकी जो फीचर्स है वो सारे और जो गाड़ियाँ हमें मिल जाते हैं, ये सब जो है यहाँ पर शोकेस किया गया है हुंडई की तरफ से। इसके बाद यहाँ पर आपका है रॉयल एनफील्ड का पेविलियन, जहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे स्पोर्ट्स बाइक और जो है लग्जरी बाइक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक बार एक लुक ले लेते हैं, ओवरलुक यहाँ पर देख लेते हैं, रॉयल एनफील्ड धाकेदार शॉटगन 650। तो रॉयल एनफील्ड की जो दीवानगी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई अब फ्लैक्स फ्यूल का ज़माना है, ईवी का ज़माना है, तो रॉयल एनफील्ड जो है वो कैसे पीछे रह सकता है। तो रॉयल एनफील्ड ने भी अपना जो है क्लासिक फ्लैक्स फ्यूल के अंदर जो है लॉन्च कर दिया है, आप देख सकते हैं क्लासिक 350 फ्लैक्स यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया है, जिसको मैं आप दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी बेहतरीन ये प्रोडक्ट यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च किया है। देखिए कब ये मार्केट में आता है, इंडियन मार्केट में ये आएगा तो धूम मचा देगा। तो ये था रॉयल एनफील्ड का पेविलियन। इसके साथ यहाँ पर आप देखते हैं तो एक नई कंपनी है टॉर्क मोटर्स, मेड इन इंडिया है ये, अपनी जो है ईवी बाइक्स यहाँ पर लॉन्च की गई है, इन्होंने अपनी ईवी बाइक्स यहाँ पर शोकेस किया है, काफ़ी अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ है टॉर्क मोटर्स, लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। इसी साथ यहाँ पर है यामाहा का पेविलियन, जिसको काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, काफ़ी सारे यहाँ पर आप इन्होंने मॉडल अपने शोकेस किए हैं। सारी रेसिंग बाइक्स यहाँ पर लगाई गई है, R15 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी साथ यहाँ पर है एथर का पेविलियन, यहाँ पर भी इन्होंने जो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटीज है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, उनको ऑर्गेनाइज किया है।
डिजाइंड एंड बिल्ट इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है सभी। और यहाँ पर जो है सारे प्रोटोकॉल्स दिखाए गए हैं किस टाइप से वर्किंग करती है। यहाँ पर आपको जो है ढांचा देखना मिल जाएगा इसका। टॉप स्पीड इनकी जो है 90 किलोमीटर पर आवर की है, 115 किलोमीटर की यहाँ पर रेंज दी गई है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको शोकेस की गई है। इसी के साथ यहाँ पर है अशोक लेलैंड, जिन्होंने अपनी जो है लग्जरी बसेज और लग्जरी ट्रक जो है यहाँ पर शोकेस की है। LNG ये कोई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेके आ रहे हैं। इसी के साथ यहाँ आती है MG, और MG की सबसे छोटी कार MG। तो ये है MG की कॉमेट, जिसके सबसे छोटा बोनेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चार्जिंग लेड आपको सामने मिलती है और बहुत ही कॉम्पैक्ट आपको यहाँ पर जो है इंटीरियर देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं 4 पैसेंजर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर आपको गाड़ी मिल जाती है सिटी पर्पज के लिए। यह है इलेक्ट्रिक वर्जन। डोर्स आपको काफ़ी बड़े यहाँ पर देखने मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप कितना बड़ा डोर ये है। ये इसी साथ पीछे आपको 2 पैसेंजर बैठने की जगह मिल जाती है। बूट स्पेस आपको नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा। अगर आपको 2 पैसेंजर से आपको ट्रैवल करने हैं तो आप इन सीट्स को फोल्ड करके इसमें बूट स्पेस बना सकते हैं, वरना आपको बूट स्पेस यहाँ पर नहीं मिलेगा। और कुछ इस टाइप की आपको जो है रियर प्रोफाइल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यह है इसका कैबिन व्यू, कम्प्लीटली डिजिटल आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके जो गेट्स आपको काफी बड़े देखने को मिलते हैं, जिससे कि पीछे के पैसेंजर्स को एंट्री और एग्जिट में दिक्कत नहीं होती। इसी के साथ यहाँ पर है MG की हेक्टर, नेक्स्ट जनरेशन हेक्टर है यहाँ पर शोकेस की गई। और इसके साथ यहाँ पर इन्होंने ग्लोस्टर को भी यहाँ पर शोकेस किया है, और ग्लोस्टर को एज ए ऑफ रोडर यहाँ पर शोकेस किया गया है। ब्लैक स्टॉर्म द एडवांस्ड ग्लोस्टर ब्लैक स्टॉर्म, भाई देखने में काफ़ी ह्यूज लगती है गाड़ी। इसी के साथ यहाँ पर है MG की एस्टर, और एस्टर का इलेक्ट्रिक वर्जन MG ZS वहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं MG ZS, जो कि EV में आती है। और इस टाइप के आपको यहाँ पर जो है सभी चार्जर सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल जाता है MG का, और जो बाकी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके द्वारा जो दिया गया है सिस्टम। तो ये है MG का पेविलियन। इसी साथ इस साइड आप देखते हैं तो यहाँ आ जाता है भाई मारुति सुजुकी, जो है यहाँ पर इन्होंने पेविलियन लगाया है, जिसमें आपको जो है इस साइड देखने को मिल जाती है मारुति ग्रैंड विटारा, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आती है। कंप्लीट हाइब्रिड यहाँ पर आपको जो है ग्रैंड विटारा में देखने को मिल जाता है। इसके साथ है कि विटारा ब्रेजा, सॉरी अब ये जो है ब्रेजा रह गई है सिर्फ, तो जो कि फेसलिफ्ट वेरिएंट है इसका ब्रेजा। इसी के साथ यहाँ है इनकी इनविक्टो, जो कि टोयोटा के साथ टाइप करके बनाई गई है इनविक्टो, द मोस्ट लग्जरी प्रोडक्ट ऑफ मारुति सुजुकी। इसी साथ यहाँ है इनका एक कंसेप्ट वेरिएंट, कंसेप्ट EV कंसेप्ट है यहाँ पर जो है दिखाया गया है, शोकेस किया गया है। इसके अंदर अभी एंट्री के लिए हमें जो है परमिशन नहीं मिल रही है, बट काफ़ी अच्छा जो है ये एक कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही गजब के बहुत ही बोल्ड सा लुक यहाँ पर दिया गया है मारुति ने। LED है टेल लैंप्स यहाँ पर, LED हेडलाइट्स मिल जाती है, साइड में भी आपको LED की यहाँ पर जो है लाइट्स मिलेगी। XUV 700 की तरह आपको जो यहाँ पे डोर हैंडल देखने को मिलेंगे, जो कि पुश करने से ओपन होंगे। भाई काफी फ्यूचरिस्टिक सब लुक दिया है मारुति ने। अंशु
रियर प्रोफाइल अभी हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इन्होंने जो है मना कर दिया है रियर प्रोफाइल के लिए, क्योंकि वहाँ से वीडियो शूट नहीं हो सकती है। मैं कोशिश करता हूँ एक बार रियर प्रोफाइल के लिए। रियर प्रोफाइल की हल्की सी आप झलक ले सकते हैं यहाँ से, और मुझे विश्वास है कि रियर प्रोफाइल भी काफ़ी धांसू होने वाली है। तो इंटीरियर अभी जो है यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, और इसका जो चार्जिंग पॉइंट रहेगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर इसी चार्जिंग की लीड दी गई है। ORVM काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग से देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ORVM, मुझे समझ नहीं आ रहा किस टाइप की ORVM है, बट काफ़ी अच्छा फ्यूचरिस्टिक सा कुछ आने वाला है प्रोडक्ट। तो मारुति इसका नाम रखा है EVX, आप देख सकते हैं। सारी कैपेसिटी आपको यहाँ पर दी गई है 60 kWh का। यहाँ पर आपको बैटरी बैक मिलेगा जो कि 550 km की आपको यहाँ पर ड्राइविंग रेंज ऑफर करेगा। तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पर मारुति के द्वारा भी आने वाले हैं EV के अंदर। इसी के साथ यहाँ पर है XL6, और ये है सर CNG वेरियंट यहाँ पर शोकेस किया गया है। काफी बोल्ड लुक के साथ XL6 बनाई गई है। कैप्टन सीट्स के साथ आपको यहाँ पर जो है XL6 मिल जाती है। इसी के साथ वैगनर में आपको फ्लेक्स फ्यूल का यहाँ पर जो है शोकेस किया गया है। मुझे नहीं पता, ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर जो है फ्लेक्स फ्यूल का जो फिनोमिना लाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो आया नहीं है। देखते हैं कब ये मारुति जो है लॉन्च करती है। काफ़ी टाइम से हम इसकी जो चर्चाएं सुन रहे थे वैगनर की फ्लेक्स फ्यूल की। इसी के साथ यहाँ है हमारी फ्रॉन्क्स जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई थी मारुति की। नेक्सा में आती है फ्रॉन्क्स, बलेनो का हम कह सकते हैं कि बोल्डर लुक। तो ये है भाई मारुति का पेविलियन, ये सब मारुति ने लॉन्च किया है, मारुति ने शोकेस किया है। इसके बाद आती है भाई मारुति की ऑफ रोडर जिमनी जो कि देने चली थी टक्कर थार को, और भाई इसको एज ए ऑफ रोडिंग व्हीकल यहाँ पर शोकेस किया गया है कि ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है, देख सकते हैं। इसी साथ इसके सामने है टोयोटा और लेक्सस। टोयोटा जो हमारी इंडिया में चलती है और लेक्सस जो इंटरनेशनल इनकी मार्केट है, काफ़ी अच्छी मार्केट है। तो यहाँ पर टोयोटा और लेक्सस ने अपनी मारुति जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लॉन्च दिखाई गई है। आप देख सकते हैं UX300E, आई थिंक ये भी इसका जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो हाँ, ये इलेक्ट्रिक है इनका। इसके बाद है भाई ES300H, ये इनका सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाइब्रिड व्हीकल है इनका। बहुत ही जबरदस्त लुक्स के साथ ये गाड़ियां आती है, लग्जरी फील ये गाड़ियां देती है भाई। इसी के साथ भाई यहां पर है टोयोटा की हाइलक्स जिसको रैपिड इंटरवेंशन के हिसाब से लॉन्च किया गया है, बनाया गया है उसको इसी हिसाब से। इसके बाद यहाँ इनकी हाई राइडर जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आती है, मारुति की ग्रैंड विटारा और इनकी हाई राइडर अर्बन क्रूजर हाई राइडर। और सबसे अच्छी बात ये भी CNG के अंदर आने लगी है भाई, मारुति और इनका टाइप होना था तो CNG तो आने ही आना था, तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर आई है ये भी। इसी के साथ है भाई फ्लेक्स फ्यूल के अंदर टोयोटा की मिराई, और जी ये गाड़ी है ये भाई हमारे जो नितिन गडकरी जी है वो खुद यूज़ करते हैं। फ्लेक्स फ्यूल का जो कंसेप्ट है वो उनके द्वारा ही लाया गया था, ये गाड़ी जो है वो खुद यूज करते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त लुक से साथ आती है। और भाई इसी के सामने जो है सुजुकी का मोटरसाइकिल का जो है यहाँ पर पैविलियन लगा गया है, जिसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी ह्यूज टाइप की बाइक्स यहाँ पर शोकेस की गई है, रेसिंग बाइक्स और ओल्ड टाइप की बाइक्स यहाँ पर जो है शोकेस की गई है, और यहाँ पर आपको देखना मिल जाती है सब कुछ। उस साइड जो है स्कूटर्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। तो ये है भाई इस टाइप का यहाँ पर जो है कंप्लीट पेविलियन यहाँ पर किया गया है हॉल नंबर 6 के अंदर, और आज है इसका लास्ट डे 3rd ऑफ फरवरी।
नेक्स्ट ईयर जो इसका ऑटो एक्सपो भी होगा तो उस टाइम भी हम आएंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या अलग से जो है लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।